हम बात करते हैं पाकिस्तान की टीम के टोटके की, जिसके सहारे पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतना चाहता है। जी हां, रमजान का महीना न होने के बावजूद पाकिस्तान की टीम ट्रॉफी के लिए रोजा भी रख रही है। देखिए रिपोर्ट। टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में दो मैच लगातार हारने के बाद पाकिस्तान किस्मत के सहारे फाइनल तक पहुंच गया, ये बात पाकिस्तानी भी मानते हैं और पाकिस्तान टीम के कप्तान भी। लेकिन क्या किस्मत के सहारे फाइनल तक पहुंचा पाकिस्तान टोटके से ट्रॉफी भी जीत जाएगा? पाकिस्तान के खिलाड़ी क्यों बिना रमजान ऑस्ट्रेलिया में रोजे रख रहे हैं? क्या है पाकिस्तान की जीत का रोजा कनेक्शन, हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं आखिरकार पाकिस्तान के कप्तान अपनी टीम के फाइनल पहुंचने का श्रेय किसे दे रहे हैं। बाबर आजम ने एक बार नहीं बार बार दोहराया कि उनको फाइनल तक पहुंचाने वाला ऊपर वाला है। अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ने हमें फाइनल में पहुंचाया और इंशाल्लाह फाइनल भी अल्लाह ही जिताएगा। तो बाबर आजम अपने फाइनल तक के सफर का श्रेय पूरी तरह ऊपर वाले को दे रहे हैं। सच्चाई यही है कि किस्मत साथ नहीं होती तो आज बाबर आजम लाहौर में बैठकर टीवी पर फाइनल देखने की तैयारी कर रहे होते। लेकिन इस किस्मत के साथ साथ एक संयोग भी पाकिस्तानी टीम के साथ चल रहा है। 1992 में इमरान खान की टीम ने पहली बार पाकिस्तान को क्रिकेट वर्ल्ड कप दिलवाया था और 2022 में बाबर आजम की टीम भी टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गई है और दोनों के सफर में बहुत सी समानताएं भी दिखाई पड़ रही हैं। और पाकिस्तानी टीम के दिमाग में ये संयोग ऐसा घर कर गया है कि वो इस टोटके के सहारे ट्रॉफी लेकर पाकिस्तान जाना चाहती है। ये बड़ा संयोग है और अब पाकिस्तान के फैंस को भी लग रहा है इसी टोटके के सहारे उनके खिलाड़ी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी उठा लेंगे। अब हम आपको बताते हैं किस तरह पाकिस्तान के खिलाड़ी भी 1992 की जीत को दोहराने के लिए हर वो काम कर रहे हैं जो 1992 में इमरान खान की टीम के खिलाड़ियों ने किया था। पाकिस्तानी पत्रकार ने जी मीडिया पर बड़ा खुलासा किया है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में रोजा रख रहे हैं। पाकिस्तानी टीम के कई खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ रोजा रख रहे हैं। ये खिलाड़ी सिर्फ मैच के दिन रोजा रखने से परहेज करते हैं। अब आप ये भी समझिए ऐसा क्यों हो रहा है। 1992 विश्व कप के दौरान रमजान का महीना चल रहा था और तब इमरान खान की टीम के कई खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट के दौरान रोजे रखे थे। अब 2022 में भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लगता है कि अगर वो रोजा रखते हैं तो उनको इससे जरूर जीत मिलेगी। फिलहाल अब तक के संयोग तो पाकिस्तान की टीम के लिए बिल्कुल फिट बैठे हैं, लेकिन क्या रोजा रखकर पाकिस्तान की टीम ट्रॉफी उठाने में कामयाब रहेगी या फाइनल में 1992 की कहानी में कोई बदलाव आएगा, इसके लिए महामुकाबले का इंतजार करना होगा। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये इत्तेफाक और संयोग क्या वाकई सच साबित होते हैं या नहीं। कैमरामैन मुकेश साकला के साथ मेलबर्न के मैदान से जी न्यूज के लिए मैं कपिल वशिष्ठ।